हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सुबह हो चुकी है, अब उठे हैं, अब घूमेंगे यहाँ पे ऋषिकेश में, फिर हरिद्वार जाएंगे। यहाँ से आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा, कितनी अच्छी ग्रीनरी है, रात को तो दिखाई नहीं दे रही थी। और ये पंजी जंपिंग के लिए गई हुई स्टैंड यहाँ पे। तो गाइस, अब आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं, कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। अरे ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं दोनों? अरे गजनीर महेश लगे हुए आँच बनाने के लिए, देखो कितनी कति बिल्कुल है। तो गाइस नहा के रेडी हो चुके हैं और अपने गजनी ने टोपी पहन ली है, अभी जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये महेश ने टोपी पहन ली है। तो गाइस ये हमारे रूम की क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है? ये बात है, अरे सर क्या बात है। तो गाइस निकल चुके हैं अभी यहाँ से, ऋषिकेश से निकल चुके हैं, अब जाएंगे हरिद्वार, आपको हरिद्वार घुमाएंगे। फिर अब गाड़ी ड्राइव करेंगे कृष्ण कुमार और हमारे गजनी बैठ चुके हैं पीछे, महेश आर्मी मैन, कैप लगा ली आर्मी की। चलो भाई सीट बेल्ट लगाओ और चलो हरिद्वार। काफ़ी मस्त मौसम हो रखा है, बारिश आने लग रही है कंटिन्यू, और ये देखो बादल कैसे लग रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों पहुंच चुके हैं हरिद्वार में, अब यहाँ पे आपको दर्शन कराएंगे। ये देखो अपने भोलेनाथ जी कितने मस्त लग रहे हैं।
हमारे गजनी ने देखो क्या करवा लिया, ये पूरे भोलेनाथ बन चुके हैं, महाकाल बन गए, महाकाल के दीवाने हैं। दोस्तों अब हरिद्वार से दर्शन करके चल दिए घर की तरफ। ये देखिए गंगा, काफी ठंडा पानी है। ए महेश लग गया हम खाने, कितना मीठा है। बेकार से भाई मत लियो। ओए वापस राकू से। बस सीएनजी गाड़ी लेने में ये परेशानी होती है, सीएनजी गाड़ी लेने की परेशानी ये है, ये देखो आप। और हर जगह 150-200 किलोमीटर पे बार बार सीएनजी डलवानी पेट्रोल डलवा चुके हैं दो बार, कोई टेंशन नहीं है। पेट्रोल इतना लगता नहीं जितना दो बार डलवा दिया। यदि अपने एरिया में सीएनजी स्टेशन है तो ले सकते हो आप। नहीं इसमें ज्यादा परेशानी होती है सीएनजी गाड़ी में, देखो आप। अभी थोड़ी आगे जाओ हमारा नंबर आएगा ना, बोलेंगे गाड़ी से नीचे उतर जाओ, बेइज्जती कर देते हैं। हमारी गाड़ी से नीचे उतार देते हैं, देते गाड़ी अपनी और बोल देते गाड़ी से नीचे उतरो, बेइज्जती कर देते हैं। बस सीएनजी में यही दिक्कत है, माइलेज तो अच्छी मिलती है लेकिन एक 500 रुपए के ऊपर बेचती कर देते हैं। एक ये दिक्कत होती है भीड़ जाम और बार बार हर 150-200 किलोमीटर पे। गजनी बताओ क्या दिक्कत होती है। बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं तो पसंद ही नहीं करता सीएनजी गाड़ी, सीट बेल्ट खोलने का मौका नहीं देगी, ये तो कुछ हो गया तो अंदर ही बैठे बैठे राख बन जाएगी। गजनी ने पहले खुद राख की मार आ रहे चार्ज लगा रहे। लो जी चाय पीने के लिए रुक चुके हैं मिस्टर चाय वाले पे, अब चाय पियेंगे यहाँ पे मिस्टर चाय के पास। काफी मस्त बना रखी है मिस्टर चाय वाले ने अपनी ये, और गजनी हमको पिलाएगा एक एक बरवे वाली चाय अच्छी वाली, फिर निकलेंगे घर की तरफ। गाड़ी का बुरा हाल है वैसे भाई, मैं तो आगे से कभी सीएनजी गाड़ी में कहीं जाऊंगा नहीं, क्योंकि जिगे 3-4 बार नीचे उतार जो है ले वे सीएनजी, अब फिर सीएनजी फिर सीएनजी। अपनी डीजल की गाड़ी अच्छी है अपनी 990। हर 150-200 किलोमीटर पे टी टाइम में स्वाद नहीं आते, छिका दी तेरी सीएनजी ने। तो जी अब घर बचा है यहाँ से 60 किलोमीटर ही बचा है, फिर चलते हैं घर जाके करेंगे रेस्ट।